जाल जो है वो बनाया गया है। तो अभी ये जाल मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो, ये अभी ये जाल बना है। इसके बाद में इसके अंदर मसाला भरा जाएगा, फिर इसी से ही सरिया जोड़ करके इस वैसा उसकी तरह यहाँ पर पिलर खड़ा किया जाएगा। तो पहले जाल के अंदर मसाला भरेंगे, फिर उसके बाद में पिलर खड़ा करके फिर उसके अंदर मसाला भरेंगे। तो उसके बाद में ये काम जो है इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये जो फ्रेम ये बनाते हैं नीचे सरिए का, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है पूरा मसाला वगैरह डाल के। तो उसके बाद में ये काम जो है, ये ऊपर इसका पिलर बनता है, तो सिर्फ पिलर नज़र आता है, बाकी का सारा ढक दिया जाता है ज़मीन के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, पिलर कभी हिलता नहीं है। तो ये चीज़ है भाई। तो आगे चलते हैं, बाकी हम आगे का दिखाते हैं। और भाई तेज़ी से काम चल रहा है और लोग लगे हुए हैं मेहनत में। तो भाई ये बंदे भी बहुत बढ़िया हैं जो इतने मेहनत कर कर के और हमको एक दिन इतनी बढ़िया चीज़ हैंड ओवर करते हैं। तो सल्यूट हमारा इन्हें भी बनता है कि ये इतने अच्छे तरीके से काम करके और हमको एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फ्लाईओवर वगैरह और मेट्रो का काम और काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क सरकारी चलता है उसको कंप्लीट करके उसके बाद में जब हमको दिया जाता है पूरी तरह से यूज़ करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है वो और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है कि ये लोग इतनी मेहनत कर करके और हमको एक दिन एक इतनी बढ़िया चीज़, इतनी शानदार चीज़ें जो हमारे हैंड ओवर करते हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसे काम देख करके। तो भाई यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी, वहाँ पर दिखाया था मैंने कि वहाँ पर सरिये का काम जो है सरिये से डाल दिए गए थे, पर यहाँ पर क्या है कि अभी इनको यहाँ पर पिलर ये है जो है इनको तोड़ा जाएगा, उसके बाद निकाला जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर फ्रेम बनाया जाएगा पूरा, वहाँ से लेकर पूरा फ्रेम बनेगा सरिये से, उसको उसके अंदर मसाला डलेगा ताकि बेस जो है वो भारी हो जाए अच्छे तरीके से। तो उसके बाद में जो है पिलर को वो खड़ा किया जाएगा, उसी सरिये के साथ में अटैच करके सरिये को लगाया जाएगा, तब ऐसा फ्रेम हमारे सामने बनकर फ्रेम बनाया जाएगा, फिर उसके सामने तब हमारे सामने ऐसा पिलर जो है वो निकल के आएगा। तो भाई यहाँ तक तो काम चल रहा है अच्छा खासा तेज़ी से, और बाकी इससे भी आगे मैं चलता हूँ। और भाई आज आपको बहुत ही ज़्यादा दूर तक का दिखाने वाला हूँ मैं, और आप देखते रहिए, मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा दिखाता रहूँगा इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिलर को छोड़ करके कुछ पिलर कंप्लीट हैं, कुछ पिलर का काम चल रहा है। तो यही है अभी भाई चल रहा है, तो धीरे धीरे ये काम एक दिन कंप्लीट ज़रूर होगा। तो अभी क्या है कि लोगों को यही लग रहा है कि हमें ये पता लग जाए बस काम ये कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक चल रहा है। तो भाई और लोग मेरे पास भाई मैसेज इस चीज़ के आ रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि घर किसके किसके टूटेंगे। तो भाई इस चीज़ की अपडेटिंग अभी हमें मिली नहीं है, जिस दिन हमें ये अपडेटिंग मिल जाएगी तो उस दिन हम उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें कि किस किस के घर टूटेंगे और कितना ज़्यादा चौड़ा जो रोड है वो होने वाला है। तो बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी पिलर जो है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ खजूरी आप समझ लो करीबन 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई पिलर का काम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो रहा है। तो पिलर के बाद में बस इसको आप यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा काम को जो है पिलर बना के उसके फ्रेम के ऊपर का बेस रखने के लिए वो भी यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। तो उससे बेस रखने के बाद में इसके बाद जो ये काम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो रहा है, इसके बाद में बेस रखने का काम स्टार्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक काम जो है वो कंप्लीट इतना हो चुका है कि सिर्फ बेस रखने का इनको ज़रूरत है, बाकी इन्होंने सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया गया है पिलर को पूरी तरीके से। तो आगे का मैं आपको दिखाऊंगा, तो आगे आप देख सकते हैं कि आगे की कंप्लीटिंग, आगे के पिलर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हैं,
सिर्फ बेस की ज़रूरत है। तो पहले क्या होगा कि पहले ये सारे पिलर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में बेस को रखना स्टार्ट करेंगे, जो कि सिर्फ बेस रखने के बाद में और उसके कुछ टाइम बाद ही हमको ये रोड जो है वो कंप्लीट दिखने लगेगा बहुत जगह से। तो भाई अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेमिंग करके और यहाँ पर फ्रेम करके, फ्रेम के अंदर मसाला जो है वो भर दिया गया है, उसके बाद में सरिया जो है वो खड़े हैं। बाकी मैं और आगे का दिखाता हूँ आपको। तो ये एक सिरे से काम को स्टार्ट किया जाता है छोटे से लेकर, फिर ये स्टार्ट करते हैं, तब ये काम बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़िया होकर के हमारे सामने आता है। तो हर एक बंदे की मेहनत इसमें लगी होती है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं और जो इन चीज़ों में मेहनत करते हैं। तो हमको एक सरिया उठाने में ऐसा लगता है कि सरिया कितनी भारी होती है, लेकिन वही अगर टीम वर्क अगर काम करने लगे तो वो सरिया हमें बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगी और एक दिन एक बहुत ही शानदार चीज़ जो है वो बनकर हमारे सामने आएगी। तो फिर हमें खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये काम हमने कैसे कर लिया। तो यही चीज़ होती है कि टीम वर्क जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक टीम वर्क है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है पूरी टीम के साथ में। तो जो भी टीम इस पे काम कर रही है तो उसके वर्करों को भाई बहुत ज़्यादा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है उस चीज़ का। तो यहाँ पर भाई देख सकते हैं आप, यहाँ पर रास्ता बेशक थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर वैरीगेटिंग भी हटा दी गई है क्योंकि यहाँ पर ये पिलर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। तो भाई इससे आगे जैसे ही हम चलते जाएंगे तो देख सकते हैं आप पुलिस चेक पोस्ट यहाँ पर मंडोला ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद। तो ये मंडोला थाना है, यहाँ से भी आगे हम जाने वाले हैं दिल्ली की साइड। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कितना आगे तक आ गया हूँ आज, और आज आपको यहाँ से जहाँ दिल्ली वहाँ तक का काम आपको मैं दिखा दूँगा। अगर इस ब्लॉग में ये काम आपको पूरा ना दिख पाए तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये काम को नेक्स्ट ब्लॉग करके दिया जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन काम को जो है वो पूरा दिखाया जाएगा। अगर आपको आगे का भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो अगली वीडियो तुरंत आती है, हमारी वीडियो हर दो दिन में एक बार आती है, हर दो दिन के बाद एक दिन में आ जाती है मॉर्निंग में, तो हमारी वीडियो आपको दिख जाएगी अगर आप हमारा बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके यूट्यूब में हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए बस चैनल को। तो इससे आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भाई जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हो मैं कितनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ, तो यहाँ पिलर जो है वो कंप्लीट ही दिख रहे हैं काफ़ी।